देश का, इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था पर अगर कब्जा है तो सिर्फ दो आदमी का। दो आदमी देश चला रहे हैं और दो आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीयकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। एक सम्मेलन में हमने कह दिया कि बहु रूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है, जो बहु रूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है। अब एक चैनल में दो दिन तक डिबेट चलता रहा कि भाई इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में, हमने तो नाम भी नहीं लिया, हमने तो कहा कि कोई इस देश का चला रहा है जो बहु रूप धारण करता है, और जो बहु रूप धारण करता है उसको क्या कहते हैं। अभी आप ही बताइए क्या कहते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। तो जो बात आप अभी बोल रहे हैं यही बात हमने कहा। एक चैनल ने दो दिन तक डिबेट चला, हम कहा चलाते रहो, जितना लोगों ने नहीं सुना होगा मेरे उस भाषण को, तुम्हारे इस डिबेट से सब लोग जान जाएंगे, चलाते रहो भैया। तो ये तो है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर किसका कब्जा है आज, उस पर किसका कब्जा है? उसके पूरे मैनेजमेंट पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो दो लोग इस देश को चला रहे हैं, जो दो लोग इस देश की सारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए तय तो आपको करना। सत्यपाल मलिक साहब राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई पुलवामा की जो घटना 2017 में हुई थी, हमने राज्यपाल के रूप में, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि सीआरपी के जवानों को जहाज से वहां पहुंचाइए, नहीं दिया जहाज। आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए, आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? सही है गलत है कोई भी होगा, आपके बनाए हुए, आपके नियुक्त राज्यपाल ने अगर यह सवाल देश के सामने खड़ा किया है तो देश की सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह आपको तय करना है। एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दोगो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना, पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया, उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया, कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया, जब आपके यहां वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है भाई? पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में व्यवसायी नहीं है, अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। तो इस देश के दो ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। क्या है भाई? रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का निजी, बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है, और ले कौन रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है। तो आपको तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, लगातार मांग करते हैं, और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को होगा तो व्यवसायिक समाज को होगा, व्यवसाय इस राज्य में बढ़ेगा, राज्य में औद्योगिकरण होगा, राज्य में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नहीं दे रहे, काहे के लिए देंगे भाई, उनको देना नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने वाले कि अब ये चक्कर समय आ गया है कि इन लोगों के चक्कर में मत करिए। अब देखिए आज क्या हो गया भाई, ऐसा कहीं देखें? अभी इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के सैनिकों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, नहीं बोलेंगे,
81,000 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट घोटाला हो गया। पूरा देश कह रहा है कि भैया जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से एक छोटा से लेके बड़ा तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन धारण कर लिए। अरे भाई, इस देश का पैसा है, इस देश के गरीबों का पैसा है, इस देश के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो SBI में लगा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगा हो। कौन लगाता है लाइफ इंश्योरेंस? आप भी व्यवसायी हैं, आप सब लोग पैसा लगाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों करते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर कल कोई खुदा न खास्ते कोई अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे इस पैसा से, हमारे इस जमा पूंजी से हमारा परिवार उसको देख रेख कर सकेगा। आज सब लेकर डूब गया, लेकर डूब गया 81,000 करोड़ रुपया। केंद्र की सरकार कोई तरफ नहीं बोल रहा और नहीं बोलेगा। और इस देश में एक चौथा स्तंभ भी था, इस देश का एक चौथा स्तंभ था। हम सब लोग 1974 के आंदोलन में थे, शराब साहब भी थे उसमें, हम लोग साथे भागलपुर की सड़कों पर 1974 के आंदोलन में रहते थे और देखते थे एक एक समाचार। उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काम करता था, मीडिया जो कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो काम करता था। एक अगर कोई कर्नाटक में या बंगलोर में एक छोटी घटना भी होती थी, एक घंटे के अंदर हम लोगों को खबर लग जाती थी। आज पूरे देश में आपके द्वारा नियुक्त, उसी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल बोल रहे हैं, एक खबर किसी मीडिया में नहीं चला, एक लाइन का खबर नहीं चला। क्या है, काहे नहीं चला? कॉरपोरेट घोटाला 81,000 करोड़ रुपया हो गया, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं हुआ। आज ललन सिंह कुछ बोल दें दो लाइन, आज श्री सराफ साहब कुछ बोल दें, देखिए सुबह से शाम तक उस पर डिबेट चलाता रहेंगे। एक दिन हम यही एक सम्मेलन में हमने कह दिया, आपको तय करना है कि असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है। एगो दिल्ली में बैठा हुआ नकली है और बिहार में बैठे हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी असली है। असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है, ये तय आपको करना है, ये निर्णय आपको करना है। हम इन्हीं शब्दों के साथ भामा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन